जस्ट ऑटो में ये बाइक्स हैं जिसपे सभी लोग काम कर रहे हैं। ये प्रीमियम सेगमेंट बाइक का है और ये एक गाड़ी आई हुई है जिसके ऊपर यश भाई और साथ में धर्मेंद्र भाई काम कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए आप दोनों की, ये क्या है, क्या प्रॉब्लम आई है, यस बताओ। 200 NS है। हाँ, उसमें रेस लेने पे गाड़ी मिसिंग कर रही थी, दब रही थी। ओके। तो उसको पहले इसका कार्बोरेटर खोला हम लोगों ने, मेन जेट स्लो जेट खोल के साफ किया। ओके। फिर चलाई तो वो प्रॉब्लम गई नहीं गाड़ी से, तो फिर हम लोग अब इसका कूलेंट पाइप हॉज वगैरह खोल के इसका साफ कर रहे हैं। चौक है गाड़ी। ओके। ये इसका कूलेंट पाइप है, ये अंदर से चौक हो जाता है यहाँ से, ये इसकी कूलेंट मोटर है, ये जब आता है ना बोलते घूमती है। ओके। अब इसको हम साफ करेंगे, फिर इसमें कूलेंट डालेंगे नया, फिर इसके बाद चेक करेंगे गाड़ी के इंजन हीट होना बंद हो गया कि नहीं हुआ है। कूलेंट के चक्कर में गाड़ी हीट यदि प्रॉपर नहीं है तो गाड़ी ज़्यादा हीट करेगी और कई चीज़ें इसमें रुक जाएगी। मतलब रेडिएटर फैन भी चौक हो सकता है सर, इसके पिंच वगैरह भी चौक हो सकता है, इससे गाड़ी में इतनी प्रॉब्लम आ जाती है। ओके। और गाड़ी दबेगी भी आता। ठीक है यस भाई, आपने यहाँ से पूरा जस्ट ऑटो में एक महीने का ट्रेनिंग लिया? जी सर। उससे पहले फ्रेशर थे? जी। ECM भी सीखा है? हाँ, ECM भी सीखा है मैंने। ECM का भी काम सीखा है ना जी। और अभी आप इन सब चीज़ों पे वापस एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि बेहतरीन ढंग से अपना वर्कशॉप खोल सकें। ओके, ठीक है धर्मेंद्र भाई, आप ये काम कर रहे हैं। और इस गाड़ी की कोई चीज़ बताना चाहें तो बता दीजिए। अच्छा, तीन स्पार्क प्लग है इसमें? हाँ, तीन स्पार्क प्लग हैं, 200 NS है ये। अच्छा, तो इसमें तीन स्पार्क प्लग भी हैं? जी सर। और धर्मेंद्र भाई अब सही कर रहे हैं इसको पूरा खोल के स्टार्ट। वाटर कूलिंग सिस्टम भी है? इंजन तीन तरीके के होते हैं, ऑयल कूल्ड, वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड। ये वाटर कूल्ड इंजन है, इसमें कूलेंट पड़ता है। ओके, चलिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहें जस्ट ऑटो में। थैंक यू। और आप देखिए प्रीमियम के सेट पे आप खड़े हैं और ये जस्ट ऑटो का प्रीमियम बाइक सर्विस का है।